श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, कामिका एकादशी की आप सभी प्रियजनों को बहुत बहुत मंगल बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कई प्रकार की एकादशियों का वर्णन हमने पूर्व में किया है। अति विशिष्ट कामिका एकादशी का अर्थ ये है और उसके व्रत का माहात्म्य ये है, जैसे भगवान को अर्जुन ने पूछा था कि इस एकादशी का क्या माहात्म्य है, तो श्रीधर ऐसे स्वयं भगवान ने इस कामिका एकादशी का वर्णन अर्जुन को बहुत विस्तार से समझाया था। पुराणों में भी कथा आती है कि जिस प्रकार से किसी क्षत्रिय ने किसी ब्राह्मण को कुछ बचाने के हेतु से प्रहार किया था और उसकी उसमें मृत्यु हो गई। अब उसकी क्रिया करना उस क्षत्रिय ने चाहा तो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, तुम इसकी क्रिया नहीं कर सकते हो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। अब उसके बाद कथा आती है कि उसने कहा कि इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुझे किस प्रकार से मुक्त किया जा सकता है। तो मनोमंथन करके सभी ब्राह्मणों ने भगवान का ध्यान धरते हुए उसे उपदेश दिया कि अगर तुम कामिका एकादशी का व्रत करते हो, उसमें ब्राह्मण भोजन कराते हो, भगवद नाम स्मरण अखंड रूप से करते हो और सभी ब्राह्मणों को भोजन के बाद दान करते हो, तो कामिका एकादशी के माध्यम से ऐसा अनुष्ठान करने से आपका ब्रह्म हत्या का दोष भी निवृत्त हो सकता है। और इसीलिए कामिका एकादशी का जो महत्व है वो आधिदैविक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी अति विशिष्ट है। आज की एकादशी के दिन आप सभी को कामिका एकादशी की अनंत बधाई है, शुभकामनाएं।